हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज का सार किया था। आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अब हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखक को नवाब साहब के कुछ हाव भाव, कुछ एक्सप्रेशन उनके ऐसे थे कि उनको लगा कि वो उनसे तनिक भी, बिल्कुल भी बातचीत करने में उत्सुक नहीं है। तो ऐसा क्यों था? भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो उसमें एक नवाब साहब पहले से ही बैठे थे। अब जैसे ही भीड़ से बचकर लेखक जो थे वो सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए, क्योंकि उनके दिमाग में था कि अगर वो अकेले एकांत में यात्रा करेंगे तो वो कहानी बनाएंगे, कोई दृश्य देखेंगे और उसके ऊपर कहानी बनाएंगे। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़े तो नवाब साहब पहले से ही वहां बैठे हुए थे। तो लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। जैसे ही लेखक ट्रेन के डिब्बे में चढ़े तो नवाब साहब के चेहरे पर एकदम चिंतन सा बन गया, उनके एकांत में विघ्न पड़ गया, ऐसा उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़े तो नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया था। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। नवाब साहब तो अब लखनवी नवाब हैं, वो खुद को कैसे लेखक के सामने पहले बातचीत कर सकते हैं लेखक से, तो उन्होंने लेखक से बातचीत करने में पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने की बजाय वे खिड़की से बाहर देखते रहे। अब नवाब साहब लेखक की तरफ नहीं देख रहे थे, वो बिल्कुल खिड़की के बाहर ही देख रहे थे। कुछ देर बाद वो डिब्बे की स्थिति को देखने लगे, उसको इधर उधर झांक रहे थे। तो इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे तनिक भी बातचीत करने में उत्सुक नहीं है। तो ये सारे कारणों से नवाब साहब जो थे, ये सारे कारण जो उन्होंने लेखक ने देखे, तो उनको लगा कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? अब ये सारी चीजें जो उन्होंने देखी, लेखक ने क्या किया, नवाब साहब ने खीरे को सजाया, है ना, उन्होंने खीरे को सजा कर काट कर बहुत अच्छे तरीके से काटा, लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं। उन्होंने क्या किया, उसको केवल सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अब उनका ऐसा करना कैसे स्वभाव को दर्शाता है? तो नवाब साहब ने यत्न पूर्वक खीरा काट कर नमक मिर्च छिड़का और सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसा करना उनकी नवाबी सनक दिखाता है। अब ऐसा सब कुछ करना उनकी नवाबी सनक को दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगा कि एक नवाब साहब एक आम व्यक्ति के सामने एक आम खाद्य वस्तु को कैसे खा सकते हैं। अब खीरा तो वही सभी खाते हैं, सभी के आम खाद्य वस्तु है, तो उनको लगा ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब नवाब साहब कैसे हैं? नवाब साहब तो ऐसे हैं कि हर कार्य को बिल्कुल अलग हटके करने की वो कोशिश करते हैं, ताकि वो अपना नवाब जो रौब है वो सबको दिखा सके। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रकृति या स्वभाव की ओर इंगित करता है। मीन्स कि वो अपने अमीर स्वभाव को सबके सामने दर्शाना चाहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3।
बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? अब देखिए, जो कहानी बनती है उसमें कोई ना कोई घटना भी चाहिए है, उसमें कोई ना कोई पात्र भी चाहिए है। तो यशपाल के इस बिना विचार घटना पात्र, इस कहानी, इस जो उनका विचार है, हम इसमें सहमत हैं। वो देखिए आगे, लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। जब हमारे पास कोई पात्र नहीं होगा, कोई कहानी नहीं होगी, कोई घटना नहीं होगी, तो हम भला किस तरह से कहानी लिख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतः सहमत हूं, मैं भी लेखक के इस विचार से सहमत हूं। वास्तव में किसी कहानी, किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। मतलब अगर कहानी है तो कहानी में क्या होता है, कोई घटना रहती है जिसके बारे में वहां वार्तालाप किया जा रहा है। इसका कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा, इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए, आदि का वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार घटना पात्र बहुत ही आवश्यक है। अब ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा है, व्यंग्य पढ़ा है, उसमें भी तो एक कोई ना कोई घटना हुई है ना। उसमें घटना हुई, जैसे खीरे को मान लीजिए, खीरे की घटना हो गई, उन्होंने खीरे को काटा, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां पे अपना अमीर स्वभाव दर्शाने के लिए उन्होंने खीरे को बिल्कुल अमीर ज़ादे की तरह खीरे को खाया नहीं, बल्कि उसको सूंघ कर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने क्या किया, अब खीरा इतने अच्छे तरीके से सजाया था, खीरे में नमक मिर्च बुरका सा देखने में वो बहुत अच्छा लग रहा था, सजावट बहुत अच्छी थी, तो वो खीरे की ही घटना को वहां पे दर्शा दिया गया। तो बिना विचार पात्र, बिना विचार घटना और पात्रों के क्या कहानी लिखी जा सकती है, तो बिना विचार पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। हमारा अगला प्रश्न है, लखनवी नवाब लखनवी अंदाज पाठ के शीर्षक पर विचार करते हुए इसे कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो ये हमने कहा अभी व्यंग्य पढ़ा, इसमें कोई और शीर्षक क्या हो सकता है, तो हम इस निबंध को अकड़ू नवाब नाम देना चाहेंगे, क्योंकि इस पाठ के नवाब जो हैं वो सारा काम अपना अकड़ कर करते हैं। उन्होंने किसी सहयात्री से बातचीत नहीं की। आपने देखा है कि वो नवाब साहब जो पहले से ही बैठे थे, उन्होंने लेखक जैसे ही डिब्बे में एंटर करते हैं तो उन्होंने लेखक से बिल्कुल भी बात नहीं की। उन्होंने अपने एक स्वभाव, अपना जो अकड़ कर वो बैठे रहे, किसी यात्री से बात नहीं की। खीरे को भी उन्होंने ऐसे काटा जैसे कोई बहुत विशेष वस्तु हो। खीरा आम आदमी के खाने की वस्तु है, यह याद आते ही वे उसे खाने के स्थान पर सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब जैसे ही उनको एकदम से याद आया कि जो खीरा है ये तो आम आदमी के खाने की वस्तु है, तो एकदम से उन्होंने क्या किया, अपने स्वभाव को, अमीर स्वभाव को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस खीरे को अच्छे से काटा, सजाया और उसको वो उसको खाया नहीं, उसको उठाकर उसका जो स्लाइस था, जो पीस था, उसको वो मुंह तक ले गए और उन्होंने सिर्फ उसे सूंघा। जब उनको उनके मुंह में वो पानी भर आया, जैसे कोई लजीज वस्तु होती है, कोई खाद्य वस्तु होती है, जब हम उसको देखते हैं तो उसको देखते क्या होता है, पानी में एक लार सी बन जाती है, ठीक है, तो वो उसका जो पानी की लार थी वो उसका मुंह भर गया उससे, तो उन्होंने उस पानी की लार को निगला और उस पीस को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो उनकी ये जो हरकतें हैं वो इस पाठ को अकड़ू नवाब शीर्षक देने के लिए बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त लेखक ने इस निबंध का नाम लखनवी अंदाज रखा है, जो लखनऊ के नवाबों की जिंदगी जीने के अंदाज का वर्णन करता है। लखनवी अंदाज के अतिरिक्त इस निबंध का नाम नवाब की सनक भी हो सकता है। अब जो लेखक है उन्होंने इसका नाम लखनवी अंदाज रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि लखनऊ के जो नवाब है उनकी जिंदगी जीने का जो अंदाज है वो थोड़ा अलग है।
इसलिए उन्होंने इसका नाम लखनवी अंदाज रखा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसका एक और शीर्षक हो सकता है नवाब की सनक। इस निबंध में लेखक ने एक नवाब की सनक का वर्णन किया है कि नवाब जो है वो एकांत में तो आम कार्य कर सकता है जैसे कि खीरा खाना, लेकिन दूसरों के सामने खीरा खाने जैसा आम कार्य जो है उसको भी खास बनाने के लिए जो कार्य है वो केवल नवाब ही कर सकते हैं। इस निबंध की कथा के अनुसार नवाब खीरे को बड़ी नजाकत से बड़े सलीके से उसको तैयार करते हैं। उन खीरों की सजावट देखकर सबका मन ललचा जाएगा। उन्होंने बिल्कुल वैसे तरीके से जो खीरे थे उसको सजाया। नवाब उन खीरों को लेखक के सामने नहीं खाना चाहता था, इसलिए केवल सूंघ कर ही उसके स्वाद का एहसास मात्र से ही खीरे को खिड़की के बाहर वो फेंक देते हैं। यह कार्य केवल सन के लोग ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब जो हमने पाठ में पढ़ा था, जो हमने पिछले वीडियो में सार बताया करवाया था आपको, तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से उन्होंने खीरों को सबसे पहले खीरों को धोया, फिर तौलिए से खीरों को पोंछा, फिर उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरे का जो ऊपर का सिरा था उसको काट दिया और खीरों को काटकर उन्हें गोदा गोद कर खीरों का उन्होंने झाग निकाला। उसके बाद खीरों को बहुत सावधानी से उन्होंने छील कर उसके छिलके निकाल दिए और बड़े अच्छे तरीके से उसको सजाकर रख दिया। नवाब साहब के पास खीरा बेचने वालों की पास से जैसे एक नमक मिर्च वाली पुड़िया होती है वो उन्होंने खरीद ली थी। नवाब साहब ने तौलिए पर रखी जो खीरे की फांकी थी उस पर जीरा नमक छिड़का और उन खीरों की फांकों को देखने मात्र से ही मुंह में पानी भर रहा था। इस तरह नवाब साहब ने बड़े नजाकत और सलीके से खीरा खाने की पूरी तैयारी की। हमारा अगला प्रश्न है, किन किन चीजों का रस स्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? जैसे हम सलाद खाते हैं, सलाद है ना, तो हम कुछ तैयारी करते हैं उसको खाने से पहले, तो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, उन चीजें हैं जिनका हम तैयारी करते हैं? तो देखिए, हम टमाटर है, मूली है, गाजर है, ठीक है, तो आदि इन चीजों को हम खाना पसंद करते हैं, तो क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उन वस्तुओं को अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है, फिर उन्हें चाकू से साफ करके उनकी पतली पतली फांके कर लेनी चाहिए, उस पर नमक मिर्च गरम मसाला लगाकर उसको खाने के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की औरों और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। अब यहाँ पे हम खीरे के संबंध में नवाब साहब का जो व्यवहार है तो उसको हम देखकर बोल सकते हैं कि नवाब की सनक, तो और भी ऐसे कई नवाबों की सनकों और शौक के बारे में कोई अगर आपने पढ़ा है या सुना है तो आप किसी एक के बारे में यहाँ पे बताइए। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि खीरे को खाने के लिए इस ढंग से तैयार करना कि देखने वाले के मुंह में भी पानी आ जाए, मीन्स कि खीरे को इस तरह से सजाया उन्होंने कि जो देख रहा है उसके मुंह में भी पानी की लार भर आई। नवाब साहब द्वारा खीरे को खाने के लिए तैयार करना और उसे केवल सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देना, इसे नवाब साहब की नवाबी सनक कहा जा सकता है। अब देखिए, नवाब साहब ने खीरे को सजा तो बहुत अच्छे से दिया लेकिन उसको बिल्कुल नहीं खाया। उन्होंने उसको क्या किया, उठाया, मुंह तक ले गए, उसको सूंघा और उन्होंने फिर खिड़की के बाहर उसको फेंक दिया, तो वो एक नवाबों की सनक हो सकता है। हम लोगों ने इसी प्रकार नवाबों की कई सनकों के बारे में सुना है, जैसे कि एक बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दो नवाब रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए जाते हैं, दोनों का एक ही डिब्बे के सामने आमना सामना हो जाता है। नवाबों का शिष्टाचार, जो नवाब है, नवाबों में शिष्टाचार का बहुत महत्व है, जो नवाब है उनमें शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसी शिष्टाचार के कारण दोनों नवाब एक दूसरे को डिब्बे में पहले आप जैसे कर रहे थे, तो उसकी बात करते करते गाड़ी चलने को तैयार हो गई, परंतु उन दोनों में
में से कोई डिब्बे में पहले चढ़ने की पहल नहीं कर रहा था, दोनों एक दूसरे को कर रहे थे कि आप चलिए, ठीक है, तो दोनों में से कोई नहीं चढ़ता है। उनकी शिष्टाचारी की सनक में उनकी गाड़ी निकल गई, परंतु दोनों अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वो दोनों कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए, और उतने में ही उनकी गाड़ी जो थी वो चली गई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का उल्लेख करें। ठीक है, क्या सनक का कोई पॉजिटिव रूप हो सकता है? अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सनक होती है उसका भी क्या कोई पॉजिटिव रूप हो सकता है? अगर हाँ है तो ऐसे सनकों का उल्लेख करिए, अगर हाँ कहा जा रहा है तो उसके बारे में बताइए। कभी कभी किसी की सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है, उसकी सनक दूसरों के लिए दूसरों को सुधरने पर मजबूर कर देती है। हाँ, ऐसा भी होता है, कई बार हम दूसरों की जो सनक होती है उसको सकारात्मक तौर पर भी ले सकते हैं। जैसे किसी को हर काम समय पर करने की आदत होती है, वह अपना सारा काम घड़ी की सुई के अनुसार करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप सुबह जब स्कूल जाते हैं तो कैसे आप घड़ी की सुई के अनुसार अपना सारा कार्य करते हैं, है ना? तो आरंभ में उसकी इस आदत से सभी परेशान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे संबंधित लोगों को समय पर काम करने की आदत सी हो जाती है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपना हर काम जो है वो घड़ी की सुई देखकर करते हैं कि 5 मिनट में हमें ये करना है, 5 मिनट में हमें यहाँ पहुंचना है, मतलब पंचुअल होते हैं टाइम के। तो शुरू शुरू में तो कईयों के लिए ये दूसरे लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो जो दूसरे लोग हैं वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं और वो भी उन लोगों के साथ काम करने की आदत में वैसे ढल जाते हैं। इससे उनमें अनुशासन की भावना आ जाती है। अब इससे क्या होता है, जो दूसरे लोग होते हैं उनमें भी अनुशासन की भावना आ जाती है। किसी किसी व्यक्ति को सफाई बहुत पसंद होती है, है ना? जैसे आपके आसपास आप देखते हैं कुछ लोगों को सफाई बहुत पसंद है, उनको बिखरा हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो सामान यहाँ वहां बिखरा रहता है। वह चुपचाप सभी का काम सफाई से करता रहता है, वह किसी से कुछ नहीं कहता। लोग उसको सफाई पसंद संकी बताते हैं। अब कुछ लोगों को सफाई की बहुत आदत होती है, वो बिखरा हुआ सामान उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ लोग उसको कहते हैं कि सफाई उसको बहुत पसंद है, ये सफाई पसंद संकी लोग हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु वह फिर भी बिखरे हुए और गंदे सामान को साफ करके उचित स्थान पर रख देते हैं। तो ऐसे लोग जो है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रूप भी हो सकता है सनक का। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। थैंक यू।